मॉर्निंग होते होते ही धूप है एकदम चिलचिलाती हुई, और मैं जा रही हूँ BHU। मेरे साथ आज कोई नहीं जा रहा, मैं अकेले जा रही हूँ। जाने के बाद फिर मुझे ऑटो पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों का कोचिंग मैं ज़्यादा दिन तक नहीं छुड़वा सकती, तो वो गई हैं पढ़ने। और मेरे हस्बैंड सुबह ही जाके डॉक्टर साहब के पास पर्ची लगवा चुके हैं, देख रहे हैं आँखें पूरा। उसके बाद अभी जो रिपोर्ट आएंगी वो दिखाना है मेरे को। तो आज निकले हैं सफ़र पे अकेले ही। मैं सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ से। थोड़ा टाइम लगेगा अभी मुझे पहुँचने में, थोड़ा पैदल थोड़ा ऑटो। और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, BHU का ये जो कैंपस है मतलब हॉस्पिटल का, वहाँ पे आ गए हैं। और अरु के पापा जो है पहले ही पर्ची लगा चुके थे, तो मैं उनका वेट कर रही थी यहाँ पे। उन्होंने बोला मंदिर के पास रुकना, और फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे वो आ गए हैं। आगे आगे वो जा रहे थे तो मैं पीछे पीछे वहाँ पे गई। और ये BHU है हमारा, हमने डॉक्टर साहब को दिखा लिया है। और मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, जो जांच लिखी गई है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, बट कोई नहीं, करवाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आँखों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, थोड़ी सी परेशान हूँ। और ये पर्ची है, ये देखिए। अभी जाना है जांच के लिए, हस्बैंड यहाँ पेड़ के पास खड़ा करा के कहीं गए हुए हैं, देखते हैं क्या होता है, माता रानी सब सही करें। हमने खून दे दिया, हमने खून दे दिया। निकली यहाँ खुना निकला था तो हम अखिया बंद कर लेनी है। अच्छा, इनको आज एक लोग ने पहचान लिया, आप गाँव के शांति के हस्बैंड हैं। और 4:30 बजे जांच आएगी। बापरे मास्क, BHU में तो इतना भीड़ है, रेलवे स्टेशन फेल, रेलवे स्टेशन का 10 गुना भीड़ है। तो भी हमने डॉक्टर साहब को दिखा लिया है, और अभी हम जा रहे हैं घर। बहुत तेज़ की भूख लगी है, देख देख के मन कर रहा है गोलगप्पे खा लूँ, कुछ भी खा लूँ, लेकिन नहीं खाऊँगी बाहर की चीज़ें। अभी हॉस्पिटल का चक्कर लगा रही हूँ, अभी पता नहीं क्या हो जाएगा। आ गए हैं हम लोग घर पे। क्या बोलूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है लाइफ में कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि वीडियो में बता। हाँ बोल, अरे हमारा तो भूख लागल बना। ये देखिए मैं संतरा और केले ले आई, देखा हम ऑटो से ना ही नहीं है कि पैसा बचा रही हमारे, तो हम फूल फ्रूट खाए, बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ वहाँ पे ना एक सब्सक्राइबर मेरे मिले, वो पहचान गए मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को, मुझे तो वो पहचाने ही नहीं, बोल रहे कहाँ हैं शांति जी। तो बड़ा अच्छा लगा इनको भी लोग पहचाने, मैंने बोला अरे फेमस हो गए हैं आप भी। अच्छा अरम्या को जला, अरे यार मैं बोल रही हूँ मेरी छोटी वाली सिस्टर को भी किसी ने जलान से पहचान लिया। गांव की शांति की छोटी सिस्टर है ना, तो इतना जल्दबाजी में रहने की थैंक यू तक ना बोलनी, चल देनी। तो रिपोर्ट आएगी 4 बजे, तो देखते हैं बस। जब भी आप मतलब मेरी जगह पे सोचिए कि किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जब रिपोर्ट आने वाली होती है तो धक 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 लगा रहता है। वही सिचुएशन से भी मैं गुजर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो। डॉक्टर तो बहुत कुछ बताए हैं, हाँ बस थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करने के लिए बोले, खुश रहो खुश रहो, अंदर से खुश रहो। आँख सूजन के लिए भी दवाई दिए हैं, सब ये जो सूज गया है। क्या है इसमें, बंगाली स्वीट? तू इतनी गेस कर, पक्का पक्का हर एक मिनट गैस ना हो। हमको गलत नहीं की, हम आई डॉक्टर साहब से इंग्लिश बोल के चली नहीं हो। ये मैं बाटे ब्रेड पकौड़ा ना, तो 2 रुपये 11 बजे हम केक लागत है, 2 रुपये 11 बजे 50-50 तो दे मिला। हम बता, मैं किताब ले ल बड़ी तो बुक बुक ले ल, इतना चला ले ना, नहीं बन ना ना छू के देख लियो चल चल खोला जा, गुजराती ढोकला ढोकला तब ढोकला ढोकला ढोकला। ओहो बनारसी खाएंगे गुजराती डिश,
ये हमारी तबीयत खराब बटे मान ले तो निको उत्तर प्रदेश ही कहते नहीं ये कहे के ढोकला ले लू हो जाए बड़ा महंगा मिल लो ये ना पैसा ना दे पाए सॉरी देना पड़ेगा दीदी तुम बड़ी क्यों पैदा हो गई बताओ नहीं देना था तो जीजा जी को जरा अपने दो ढोकला खिलाओ ढोकला खाई 10 मिनट बाद खाई राम के दर्जन खाई लग लगे लड़का देखी 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 बुच्ची कैसन खाते रहो दिखाओ देखिए अरम्य और अरम्य की मौसी गई थी नाश्ता लेके आई है ढोकला तो चीज लेनी मैं बहुत कम ना ना फैट कलन की तरह अंदर आइए नहीं खे तरह नहीं सुजान ना हम रोए लगा ना टाइप का कलन और यहाँ पे देखिए मैं वेट कर रही थी मेरी जांच आ गई थी लेकिन वहाँ पे मेरा काम जो है वो हुआ नहीं क्योंकि डॉक्टर साहब फिर मिले ही नहीं मेरे को यही मिलेगा क्या खाने को देसी घी बहुत गर्म डाल के हल्का सा रोस्ट करेगी ये देखिए दलिया बन रहा है पुष्टाहार मल्टीग्रेन क्यों बता है ये बता दो तो डॉक्टर मना कर ले बहुत रोई हूँ मैं आज बहुत रोई हूँ और मैं छोड़ के चली गई और रम्या के पापा भी क्योंकि रम्या का स्कूल छूट रहा था और मेरा रिपोर्ट का वो नहीं आया था मतलब रिपोर्ट अभी डॉक्टर को दिखाया नहीं क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे नहीं है अभी तो होता है ना ये वाले डॉक्टर साहब आज बैठेंगे ये वाले कल तो रम्या के स्कूल का मतलब कॉल आया फिर मैंने बात करी थी उनके क्लास टीचर से तो उन्होंने बोला फिर मुझे भेजना पड़ा अपने बेटे को बट मैं कल तक और मैं हो रहूँ रहना पड़ेगा मेरे को और उसके बाद दिखा के डॉक्टर साहब को जाना पड़ेगा तो थोड़ा सा मुझे कितना बुरा लगा है बहुत ज़्यादा क्योंकि अरे मैं बोली थी मम्मी ऐसे करके चलो ठीक है वही बना दो दलिया ही बना दो क्या करूँ खा लूँगी हाँ रोस्ट हो चुका है एकदम अच्छे से 2 मिनट हरी मिर्च कहाँ जा रही हो दीदी पानी लेने चलो चलो लेके चलो बेटा एक बोतल पानी लेने के लिए हम चारों आए हैं और ये भी ले आए एक ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक ले आए हैं बहुत अंधेरा है अभी यहाँ पे ये स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है पानी भी अपने ले आना है खाना भी अपने ले आना है खाना भी मतलब खुद ही बनाना है सारा कुछ खुद से ही करना होता है बहुत मेहनत करते हैं बच्चे बस जॉब का सही हो जाए ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ए रुको 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 दिखाते हूँ ए रुको ये देखिए हमारे पीछे साइकिल पे पानी की बोतल जा रही है और ये नारियल का एक तेल लिया है और देखिए कोल्ड ड्रिंक मेरी प्यारी बहन आए ये वाला टी शर्ट कल मैंने पहना था ये मेरा 1000 रुपीज का है जल्दी इसको मेरा वापस करो ऐसा नहीं है तेरा मेरा नहीं होता है हम लोगों में हम लोग पहन लेते हैं लेकिन तुम्हारे में हाँ हाँ सही कहते लेकिन हम पहनी ना हम क्या अच्छा लगे सही बात है कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ना पीते हैं रात को ये ही ले आई नहीं नहीं आंखें ना दिखाओ ये मेरे कहने पे हम एक ही नेल पेंट 5 दिन को लगा ले बनी हुई से जस का तस्वीर थोड़ा सा पीने पड़ेगा ना पियो देखिए हमार कितनी बार और पेनिया में मिलल हा नाम लागल हमार ना रह दा ना ज्यादा हमार सब्सक्राइबर लोग स्प्राइट पी ले जाए हम ये सीजन का पहला कोल्ड ड्रिंक पिया था नहीं अब पिए 3 साल बाद पहला कोल्ड ड्रिंक चुप रहा कल तुम ड्यू पियो
तो डीयू ना पीले बने स्प्राइट तो पहली बार ना पिए थे नए सीजन में कहीं कहीं पहला कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट प्लस हम ओकर बाद अब 3 साल बाद पिए अभी देख लिए जाए याद देखिए ओट्स कितना ज्यादा टेस्टी बना है। मैं पूरा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस ये लास्ट में हम लोग इसमें से सबको निकाल के दिया जाएगा खाने के लिए और इसमें नींबू डाल के बहुत टेस्टी साथ में बहुत हेल्दी हेल्थी हेल्दी हेल्दी दही होता तो मजा आ जाता। अच्छा अच्छा रात के दही ना आ जाइए आप सब भी मिलके खाते हैं ओट्स कैसे लगा तो देखिए। क्या कर रही हो तुम? कुछ मत इंस्टाग्राम देखिए हमारी मम्मी की फोटो हमने लगा दी है। वो उन लोगों का दोनों का गुल्लक है, मेरे से पैसे डलवाती हैं दोनों। हाँ 3 रुपए डाले मैंने, 3 रुपया ना होला वहाँ पे वैष्णो माता, वो गौरी दीदी ले आई थी हम लोगों को दी थी वैष्णो माता की फोटो। सब्जी सब्जी ना छोला, अच्छा छोला पूड़ी गुलाब जामुन और गुलाब जामुन दोनों लोगों का 2 टिफिन। चलो जा निकाल के ओट सवा दजा लगा। गुड मॉर्निंग, चाय के साथ, वहाँ भी चाय मुझे बनाना पड़ता है और यहाँ भी चाय मुझे ही बनाना पड़ता है। पड़ता नहीं है, मतलब ये मैं खुशी से बनाती हूँ ना बुच्ची, ऐसा नहीं है ये लोग तैयार रहती हैं, लेकिन ये चाय देखो सोई भी है मेरी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे हाथ का चाय इनको बहुत कम मिलता है। कहाँ मिलता है, जब वहाँ रहती हैं तो। और कल मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि आपकी बेटी की पढ़ाई नुकसान नहीं होती कि आप घूमती हो। हम लोग सैटरडे को आए, उसका मतलब स्कूल उस दिन बंद था, उसके बाद हम संडे रहे, मंडे को अरु चली गई है। और ऐसा नहीं है, मेरी बेटी है तो मेरे से बेहतर आप लोग चिंता करते हैं, ये अच्छी बात है, बट ऐसे इल्ज़ाम लगाना मैं उसको उसकी पढ़ाई को लेके मतलब मेरे से बेहतर कोई नहीं समझेगा। रही बात इन लोगों के पास रहने की और इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने की, ये लोग चले जाते हैं और मैं पूरा दिन यहाँ पे रहती हूँ, मैं अपने काम करती हूँ। काम में मेरे को यही था कि मेरे को मैंने BHU में दिखाया है डॉक्टर को, वहाँ पे मुझे जाना पड़ता है अपनी रिपोर्ट, पहले तो जांच की रिपोर्ट नहीं आई थी और जब वो आई है अभी मुझे दिखाया नहीं है, इसलिए मैं अपने बहनों के पास रहती हूँ। उनको डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं है, वो लोग अपना काम कर ही लेती हैं। का बुच्ची डिस्टर्ब बोलू, अभी सुबह का टाइम है ना, सब चाय वाय पी के तब फिर बात करेंगे।